हनुमान जयंती के पावन दिवस पर आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हे राज पुरुषों, मैं आपके इस भव्य स्वागत से कृतार्थ हुआ, परंतु मैं यहां किसी सेवा की अपेक्षा से नहीं आया। मैं तो आपसे बस कुछ मांगने आया हूं। आप जो चाहते हैं वो हम आपको प्रसन्नता से देंगे, परंतु पहले आप भीतर तो आइए। अरे अरे रुकिए हनुमान, हम आपको ऐसे भीतर लेकर नहीं जा सकते। आप तो हमारे लिए ईश्वर के समान हैं, इसलिए पहले हम श्रद्धा पूर्वक आपके चरण धोएंगे। आप लोग कृपया ऐसा ना करें, मैं तो मात्र एक साधारण वानर हूँ। हे कपीश्वर, आपके चरणों में तो परम प्रताप है। जिन चरणों ने स्वर्ण लंका को ध्वस्त कर दिया वो हमारे इस तुच्छ राज्य में प्रविष्ट हुए हैं। विशालकाय पर्वत चकनाचूर हो गए आपके चरणों तले। हमारा तो अत्यंत साधारण सा राज्य है। तीनों लोग कांप उठते हैं आपके चरणों की आहट से। फिर हमारा निवास तो अत्यंत साधारण है। यदि आप हमें अपनी सेवा का अवसर दे रहे हैं तो हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए ही सही, एक अवसर देने का कष्ट करें। कृपा कर हमें अपने चरण धोने के बहाने इन्हें परखने का ही अवसर दे दीजिए। उचित है। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। नारायणपुर कपि पधारे, राजा कुशल मंगल आभारे। दो भाई उचित सत्कारे, हनुमत चरण सश्रद्धा पखारे। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आप दोनों राज पुरुषों को शत शत धन्यवाद, परंतु मैं राम काज पूर्ण किए बिना ये भोजन ग्रहण नहीं कर सकता, और इस कार्य में आप दोनों ही मेरी सहायता कर सकते हैं। आप अपना अश्व मुझे दान कर दीजिए, जिसे मैं सही समय पर अयोध्या पहुंचा सकूं, और मेरे प्रभु श्री राम उचित मुहूर्त में अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर सके। भैया कुशल, हमारा अश्व चुना गया है प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के लिए। अब इसके परिणाम स्वरूप हमारे नारायणपुर में सब कुशल मंगल ही होगा। हे राम भक्त, हम दोनों भ्राता अपने अश्व को देने के पूर्व एक बार उसे भोजन कराकर विदा करना चाहते हैं। यदि आप हमें इतना समय दें तो हम कृतार्थ रहेंगे। आज मैं स्वयं अपने हाथों से जल लाकर अपने प्रिय अश्व को स्नान करवाऊंगा। स्वयं गुड़ और चने के मिश्रण से भोजन तैयार कर अपने अश्व को प्रस्तुत करूंगा।
भ्राता, ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम क्या कर रहे हैं? ये हमें नहीं करना चाहिए। क्या हुआ? कुशल और मंगल अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे देर हो रही है, मुझे देखने जाना चाहिए, नहीं तो मैं सूर्योदय के पूर्व अश्व प्रभु श्री राम तक कैसे पहुंचा सकूंगा? यदि उन दोनों भ्राताओं को हनुमान के प्रति अटूट श्रद्धा है तो अब तक हनुमान को अश्व के साथ लौट आना चाहिए था। गुरुदेव, आप निश्चिंत रहिए, हनुमान अवश्य ही शीघ्र लौट आएंगे। यदि हनुमान उन दोनों भाइयों से अश्व नहीं ला पाया तो कई वर्षों तक यज्ञ का मुहूर्त नहीं होगा। और हम ये शुभ अवसर खो बैठेंगे। उस वानर को हम ये अश्व नहीं दे सकते, वो तो मुझे कोई बहरूपीय प्रतीत होता है। ये एक छलांग में समुद्र को लांघने वाले हनुमान नहीं हो सकते। हाँ, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। हनुमान जी ने तो आवश्यकता पड़ने पर पर्वत उठा लिया था। यदि वो चाहते तो हमारे इस अश्व को बड़ी सरलता से यहाँ से उठा ले जा सकते थे। उन्हें हमसे मांगने की क्या आवश्यकता थी? शतानन की सेना को हनुमान जी ने तो पूंछ में लपेट कर उठा फेंका था। अगर वो चाहते तो इस अश्व को भी पूंछ में उठा कर ले जाते। हाँ हाँ, प्रभु श्री राम का नाम लेकर सभी का संकट हरने वाले हनुमान जी के लिए, राम कार्य के लिए इस अश्व को यहाँ से लेकर जाना कौन सी बड़ी बात है? प्रभु विष्णु के भक्तों के साथ मैं भला ऐसा कैसे कर सकता था? ये तो मात्र मैं उन राक्षसों के साथ ही ऐसा कर सकता हूँ जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। कौन हो तुम? ये क्या कह रहे हैं आप? किसने आने दिया इस वानर को यहां पर? बिना अनुमति के यहां आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? अभी तो आपने मेरा स्वागत किया था और अभी आप मुझे पहचानने के लिए भी तैयार नहीं। सैनिको, पकड़ो इसे और बाहर निकालो इस बहरूपिये को। सोच बदल कर आसक्ति को अनासक्ति में बदल दिया मैंने। बहुत चतुर है ये वानर, बहुत चतुर। अभी भी अश्व को ले जाने में सफलता प्राप्त कर हमारी योजना को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर सकता है। इसलिए प्रथम अवसर पाते ही उस अश्व के जीवन का अंत कर दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अकस्मात ही इनके विचार कैसे परिवर्तित हो गए? अवश्य ही ये निकुंभ ने किया है।
महाराज कुशल, महाराज मंगल, ये आपको भी ज्ञात है कि मैं हनुमान ही हूँ। राक्षस निकुंभ के प्रभाव में आकर आप दोनों मुझ पर अविश्वास कर रहे हैं। बस बस, बंद करो अपनी ये मनगढ़ंत बातें। अब और हम नहीं आने वाले तुम्हारी इन बातों में। ये बातें मनगढ़ंत नहीं हैं। निकुंभ अपनी मायावी शक्ति से किसी के भी विचारों को प्रभावित कर सकता है, यही है उसकी नवीन रणनीति। उसी ने आप दोनों के मन में मेरे प्रति अविश्वास जागृत किया है। बस बस, मुझे तुम पर तनिक भी विश्वास नहीं है। दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। सैनिकों, बाहर निकाल दो इस बानर को। जो आ गया महाराज। ये वानर तो बहुत शक्तिशाली है। ये वानर तो टच से मस नहीं हो रहा है। ये वानर तो शक्तिशाली है, स्थान से हिल भी नहीं रहा। इसके भीतर जय श्री राम। सैनिको, इस वानर को उठा के फेंक दो बाहर। परंतु न्याय और धर्म के अनुसार ही लाना होगा वो अश्व तुम्हें हरण कर, अन्यथा बलपूर्वक लाया गया अश्व यज्ञ के योग्य नहीं होगा। मेरा विश्वास कीजिए, मैं यहां युद्ध करने के लिए कदापि नहीं आया हूं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सैनिकों, निकाल दो इस वानर को बाहर। मैं सत्य कह रहा हूं, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान ही हूं। प्रभु के अश्वमेध यज्ञ के लिए आपका अश्व लेने आया हूं। इसलिए मैं ना तो युद्ध के लिए अस्त्र उठाऊंगा और ना ही बल प्रयोग करूंगा। वो चतुर वानर भले ही इन भाइयों के मस्तिष्क को मेरे प्रभाव से मुक्त करा ले, परंतु मेरे महाबली पंचासुर उस अश्व का अंत कर देंगे। फिर कैसे होगा राम का अश्वमेध यज्ञ? नहीं होगा, पाप का विस्तार होगा, अधर्म की जय होगी। बहुत सुंदर हो तुम अश्व, किंतु तुम्हारा अंत करना आवश्यक है। वानर इन भाइयों को अपने बात का विश्वास दिलाए उसके पूर्व ही मुझे अपना कार्य करना होगा। हनुमान का वेश बनाकर हमें छलने आए हो? तुम्हें यह अश्व कदापि नहीं मिलेगा। तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए मुझे नारायणपुर की संपूर्ण सेना का बल प्रयोग भी करना पड़े तो भी करूंगा। सैनिकों, मैं अनायास ही दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहता था, किंतु प्रभु का कार्य पूर्ण करने के लिए आपको विश्वास दिलाना आवश्यक है कि मैं ही हनुमान हूं। जय श्री राम।
ये वानर हमें माया से भयभीत करना चाहता है। सैनिकों, आक्रमण करो इस वानर पर। मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको विश्वास दिलाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि मैं वही हनुमान हूँ जो अपना आकार बढ़ाकर संजीवनी के लिए पर्वत उठाकर लाया था। प्रकार इसने तो हनुमान की भांति पर्वत ही उठा लिया। अश्व की ध्वनि इतनी तीव्रता से क्यों हिनहिना रही है? ये दानव कहां से आ गया? ये तो हमारे अश्व का अंत कर डालेगा। अश्व को वहां स्नान कराना है, इसीलिए पवित्र जल को वहीं एकत्रित करो। स्वामी, ये आपका प्रथम अश्वमेघ यज्ञ है। हमारे कुलदेवता सूर्यदेव की कृपा से आप भी अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करने वाले राजाओं में से एक हो जाएंगे। आपकी कीर्ति आपके पूर्वजों की ही भांति दिग दिगंत तक प्रसारित हो जाएगी। राम राज्य की स्थापना होगी। किंतु ये तो तभी संभव होगा भाभी माँ, जब हनुमान मुहूर्त रहते अश्व को लेकर यहाँ पहुंच जाएं। अच्छा, तो और भी दानव हैं यहाँ।
अश्व को रक्षित कर यहां से ले जाने के लिए तुम सबका संहार करेगा हनुमान। हमें क्षमा कर दीजिए हनुमान जी, जो हम आप पर अविश्वास कर बैठे। न जाने कैसे हमारी मति ही फिर गई थी। हाँ हनुमान जी, हमारे कारण प्रभु श्री राम जी के कार्य को असफल मत होने दीजिए, अन्यथा इस पाप के भागी बनकर हम जी नहीं पाएंगे। सूर्य उदय होने को है, मुहूर्त के लिए अधिक समय शेष नहीं है। अब मुझे शीघ्र ही इन असुरों को समाप्त करके अश्व को समय रहते अयोध्या पहुंचाना होगा। अश्व के जीवन का अंतिम समय आ गया है। एक साथ इन सभी असुरों को समाप्त करना होगा, अन्यथा विलंब हो जाएगा। हनुमान का पंचमुखी रूप प्रतीक है नकारात्मक शक्ति दूर करने का।